नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आर9 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, किस लिए? क्योंकि नए संसद भवन का काम तो हालांकि जारी है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे नए संसद भवन, वहां के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें आई है वो अपने आप में काफी उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नए संसद भवन की छत पर लगे 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का अनावरण भी किया। इस दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद दिखाई दिए। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए थे। उन्होंने बताया कि अगला शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में करवाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लेने के दौरान काम में जुटे श्रमिकों से भी बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। बताया जा रहा है कि जिस अशोक स्तंभ चिन्ह का पीएम मोदी ने अनावरण किया है उसका वजन 9500 किलोग्राम है, जो कांस्य से बना हुआ है। इसके सपोर्ट के लिए करीब 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। अशोक स्तंभ का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। इसके अलावा नए संसद भवन की छत पर लगने वाले अशोक स्तंभ चिन्ह को 8 चरणों की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये खर्च स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई कार्यों पर बढ़ा रहा है। इस बढ़े हुए खर्च के लिए CPWD को लोकसभा सचिवालय की मंजूरी भी मिलने की उम्मीद है।